मुख्यमंत्री कमलनाथ ने व्यापन मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पीड़ित छात्रों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। व्यापम पीड़ित छात्रों द्वारा इस घोटाले की जांच की मांग मानते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को जांच कराने के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक भोपाल के चिनार पार्क में व्यापम पीड़ित युवा और छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। इसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने काला पीपल से युवा विधायक कुणाल चौधरी को निर्देश देकर छात्रों से मिलने भेजा। चौधरी ने मुलाकात के दौरान व्यापम की परीक्षा दे चुके युवाओं और छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। साथ ही छात्रों ने उनके साथ हुए अन्याय के लिए भी गुहार लगाई। भोपाल में आज जयंत मलैया ने कॉन्फ्रेंस में वित्तीय हालातों पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्जा बढ़ा भले ही हो, लेकिन आरबीआई के तहत ही कर्ज लिया गया है और कर्जा विकास कार्यों में ही लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय राजस्व घाटा 4,400 करोड़ था। 15 सालों में हम ओवरड्राफ्ट नहीं हुए। भाजपा सरकार ने सरकारी खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपये छोड़े है। 31,000 करोड़ किसानों के खाते में हमने ही दिया है। ट्रेजरी में 3,000 करोड़ था। माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि उनकी कोष की हालत ठीक नहीं है, खजाने की हालत ठीक नहीं है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके पिछले 10 वर्ष और भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष और आंकलन करना है आप लोगों को। जहां मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 27,000 करोड़ रुपये से कुछ ज़्यादा 2003-04 में कांग्रेस की सरकार के ऊपर कर्जा था और अब ये बढ़कर आज के समय में हमारे ऊपर लगभग 1,60,000 रुपये हो गया है। तो लोग कर्जे की तो बात करते हैं कि कर्जा इतना बढ़ गया और आपने क्या किया, परंतु कर्जे के साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी हमने बोरोइंग की, हमने जितनी बोरोइंग की है FRBM एक्ट के तहत जो RBI से मान्य है उतनी ही हमने की है और हमने जितना भी पैसा है वह सब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया। इसके बारे में मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा कि जहाँ हमने जो बाजार से शुद्ध ऋण है, ये पुनरीक्षित अनुमान जो हमारा 17-18 का है, इसके हिसाब से 1,60,00,000 रुपए का हमने बोरो किया है। और इसमें मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूंजीगत परिव्यय है 2004-05 से लेकर 2017-18 तक, ये 2,27,229,090 रुपये। यानी आप देखेंगे कि इस तरह से हमारी सरकार ने जितनी बोरोइंग की है उससे 66,357 करोड़ रुपये हमने ज़्यादा परिव्यय के ऊपर खर्च किए। इस साल भी हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है, अभी इसके 3 महीने शेष हैं, इसमें भी हमने 12,500 करोड़ रुपए ढूंढ लिया है। जहां तक एक बात और मित्रों बात करते हैं कि खजाना खाली ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं 15 सालों में हम कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुए, पूरे 15 वर्षों में एक भी दिन नहीं हुआ। और ओवरड्राफ्ट में आने से पहले वेज एंड मींस में आना पड़ता है, उसमें RBI के इंस्ट्रक्शन हैं। इसमें अब हमारी राशि बढ़कर 1,600 करोड़ हो जाती है। अगर हम वेज एंड मींस में आते हैं तो हमें जितना दूसरी बोरोइंग ऊपर इंटरेस्ट लगता है उससे 2% कम लगता है। हम सिर्फ एक बार 2 दिन के लिए वेज एंड मींस में गए, वो भी नवंबर से कोई वेज एंड मींस भी नहीं है और वो भी नहीं, हम हमेशा से जब से सरकार आई है रेवेन्यू सरप्लस में रहे। भोपाल में वुमेन्स प्रीमियम लीग का आज आयोजन किया गया, जिसमें 25 साल से 65 साल तक की महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 5 टीमों में महिलाओं ने क्रिकेट खेला। वही महिलाओं को जागरूक रहने के लिए अभियान चलाया गया, जिससे पुराने गेम जैसे खो खो कबड्डी जैसे कई गेम का आयोजन भी किया गया। रेखा जी अगला ओवर लेकर तैयार और दर्शक भी तैयार, पूरा खचाखच भरा हुआ हमको ग्राउंड का ये स्टेडियम। शैल भाई भी तैयार है और फुल टॉस बॉल देखना होगा, फील्डर बॉल के पीछे बॉल आ गया और ये 4 रन। बहुत ही शानदार चौका यहाँ, तालियों से उत्साह वर्धन।
साहित्य और सिनेमा को समर्पित चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2018 का आगाज हो चुका है। 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फिल्मी सितारे होंगे मौजूद। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय डॉक्टर रेखा शर्मा के आतिथ्य में किया गया। प्रख्यात फिल्म निर्देशक राहुल रवेल और फिल्म डायरेक्टर अनुराग वासु और टीवी के सबसे मनोरंजक सीरियल भाभी जी घर पर है के सबसे अनोखे किरदार रोहिताज गौड़ भी मौजूद रहे। फिल्मी जगत की अन्य महान हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शिरकत रही। स्थानीय कलाकारों को फिल्म दिखाने और लोगों को आकर्षित करने के लिए जगह जगह पर टपरा टाकीज बनाई गई है। 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले फिल्म महोत्सव में संवाद सत्र, फिल्म प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए भी सभी को आमंत्रित किया गया है। We'll be right back.